नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ के बाद नैनीताल में भी भूदशाव, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर सर्वे करने के निर्देश। जियोलॉजिकल का किया जा रहा सर्वे। उत्तराखंड कांग्रेस का डेलीगेशन लौटा जोशीमठ से। प्रदेश अध्यक्ष मीडिया से हुए रूबरू, मौजूदा हालातों पर दी जानकारी। सरकार एनटीपीसी को बचाने का कर रही काम। उत्तराखंड में खाद्य विभाग का अभियान। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश। अपात्र और पात्र लोगों की लिस्ट करे चस्पा ताकि लोगों को मिले राशन। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क हादसा। खाई में गिरी कार, रेस्क्यू कर तीन लोगों को निकाला बाहर। धनोल्टी बर्फबारी जा रहे थे देखने। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी, घरों को गिराने का काम रुका। मैदानी इलाकों में जबरदस्त ठंड, आम जीवन हुआ प्रभावित। केदारनाथ धाम में दिखी बर्फ की मोटी परत। अब खबरें विस्तार से। जोशीमठ में हुए भूदशाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। बलियानाला प्रकरण को या फिर जोलीकट क्षेत्र के कई गांव जो भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं, इसके साथ ही आलूखेत और डूंगशील का भी सर्वे किया गया है। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में हुए भूदशाव के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा यहां भूस्खलन प्रभावित गांव हैं, उनके विस्थापित किए जाने की कार्रवाई में भी तेजी आ रही है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया जा रहा है। हम लोगों ने सर्वे कराया है और जियोलॉजिस्ट ने उसका निरीक्षण किया है। चाहे आलू खेत का मामला हो या ढूंगसिल का मामला हो, तो दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टिमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग उसको भी जारी कर देंगे। जोशीमठ में फिर एक बार सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के आसार बताए गए थे, जो कि मौसम विभाग की जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई। जोशीमठ नगर के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि देर रात से लगातार बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, भविष्य, बद्री ओली जैसे तमाम पर्यटक स्थल से लेकर तमाम तीर्थ स्थल इस वक्त बर्फबारी की चपेट में हैं, जिस कारण लोग अब अपने ही घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है, जिस कारण निचले इलाकों में भी अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बड़ी बात तो यह है कि बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, भविष्यवद्री, ओली, तमाम तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटक स्थलों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सामने की जो पहाड़ियां हैं वो इस वक्त बर्फ की चादर में किस तरह से ढकी हुई देखी जा रही है। सामने की तस्वीरें भी आप देखना चाहेंगे तो सामने गांव के नजारे हैं, जो जोशीमठ के जो गांव हैं उन गांव में भी देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी इस वक्त हो रही है। देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इस वक्त हम दिखा रहे हैं जन टीवी के माध्यम से। और देख सकते हैं इस वक्त पूरी घाटी किस तरह से बर्फ की चादर में एक बार फिर से ढक चुकी है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यसमिति के सदस्य मदन कौशिक ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में गरीब कल्याण नीति को लेकर समिति की बैठक पर चर्चा हुई। हमें जनता का प्यार मिला है और हम चुनाव जीत कर आए हैं। मदन कौशिक ने कहा कि चुनाव प्रचार अभियान में पीएम मोदी की खास सहभागिता रही है। के बीच में सामाजिक सरोकारों को लेकर, अच्छे कार्यों को लेकर
लोगों से बातचीत करना, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात का जिस प्रकार से कार्यक्रम किया उस पर केवल चर्चा ही नहीं की गई, अपितु आने वाले समय में जब 100वां संस्करण होगा, ये होगा अप्रैल में 2023, उसमें एक बृहत रूप से यानी समाज के हर वर्ग तक और संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ तक इस प्रकार के इस कार्यक्रम को जनता के बीच में ले जाना, जनता को इस प्रकार के कार्यक्रम में सहभागिता कराना, ये भी हम लोगों ने लक्ष्य इस रूप में रखा है। आपको मालूम ही होगा प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त हमने ही नहीं किया, अपितु कोई हमारे जो अन्य लोग भी हैं सामाजिक रूप से, उन्होंने भी किया। देहरादून के कांग्रेस कार्यालय में अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता की गई, जो कांग्रेस के डेलीगेशन के जोशीमठ दौरे से लौटने के बाद की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करण मेहरा का कहना है कि सरकार एनटीपीसी को बचाने का काम कर रही है। बिना किसी जियोलॉजिकल रिपोर्ट के मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी को क्लीन चिट दे दी है, जो कि बेहद निंदनीय है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जोशीमठ के लोगों का विस्थापन पहाड़ी क्षेत्रों से ना करवाकर टिहरी विस्थापितों के तर्ज पर करवाया जाए। सरकार 2 साल से चुप क्यों रही? जब एनटीपीसी की टनल में पानी घुसा रेणी में, तब से अगर सेफ्टी मेजर्स उठाए गए होते तो शायद आज स्थिति नहीं होती। और लोगों का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री बार बार एनटीपीसी को बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं, और उस बात के बारे में सरकार और उनके प्रतिनिधि ये नहीं बता रहे हैं कि जब काम रोकने के आदेश 1 तारीख को या 2 तारीख को मुख्यमंत्री ने दे दिए थे, तो 10 तारीख की रात को 2 बजे एनटीपीसी की टनल में काम कैसे हो रहा था। उत्तराखंड में खाद्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान के तहत बहुत सारे राशन कार्ड धारकों ने अपने कार्ड जमा कराए हैं, जो अपात्र होते हुए भी पात्र लोगों का राशन उठा रहे थे। वहीं इस अभियान को और तेज करने के लिए प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में कई अपात्र लोगों ने अपने राशन कार्ड विभाग को जमा कराए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता हैं जो अपात्र होकर भी गरीबों का राशन ले रहे हैं। वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सभी जिला पूर्ति अधिकारी और राशन डीलरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोग जो अपात्र हैं और पात्र का राशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके नामों की लिस्ट संबंधित राशन की दुकानों के बाहर चस्पा करें, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके और उनकी शिकायत विभाग को कर सके। जी देखिए, मैंने हम लोगों की एक अभियान था अपात्र को ना पात्र को, उस अभियान में बहुत सारे ऐसे पात्र कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर करे और वो पात्र कार्ड धारकों को आज वो मिल भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि अब भी ऐसे हमारे अपात्र लोग बचे हुए हैं जो कि सक्षम होकर जो है गरीबों का राशन जो है खाद्यान्न का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आज राशन डीलरों को भी और हमारे विभाग के DSOs को भी ये निर्देश कर दिया है कि राशन डीलर अपने दुकान के आगे एक स्टैंडी लगाएं जिसमें मोटे मोटे अक्षरों में, चाहे वो गुलाबी कार्ड धारक हो अथवा सफ़ेद कार्ड धारक हो, उनका नाम अंकन हो, जिसे आते जाते और दुकान में जो भी अपने घर सभा का व्यक्ति आता हो वो नामों को पढ़ सके। उसमें यदि कोई भी उसे अपात्र दिखता हो तो वो विभाग को 1967 जो अपना टोल फ्री नंबर है उसमें शिकायत दर्ज करें और विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे अपात्रों को हटाने का काम करेगा और फिर ग्राम सभा का जो पात्र व्यक्ति होगा उसको अलॉट करने का काम करेगा। तो ये पूरे पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जो है ये प्रयास है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा ने सल्ट मंडल में भगवत बोरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। सल्ट ब्लॉक मुख्यालय में मोलेखाल बाजार में सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने नए अध्यक्ष भगवत बोरा को मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी करके मिठाई बांटी। भगवत बोरा ने कहा कि हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ज्येष्ठ श्रेष्ठ पदाधिकारियों को साथ लेकर माननीय विधायक महेश जीना के हाथों को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी निष्ठा के साथ और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है पूरे मंडल को और पूरा पार्टी कार्यकर्ताओं को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने अपने पदाधिकारी उनको साथ लेकर के चलने की, और अपने सल्ट में माननीय विधायक जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे लगन से और निष्ठा से अपने
आपको समय दे करके भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएंगे हम लोग। सितारगंज पुलिस और प्रशासन की टीम ने नकुलिया रोड स्थित प्लास्टिक की पन्नी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां भारी मात्रा में अवैध पन्नी के साथ पन्नी बनाने वाली मशीन बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त प्रशासन ने छापा मारा उस वक्त पन्नी बनाने का कार्य चल रहा था। कबाड़ की आड़ में अवैध पन्नी बनाने का बड़ा खेल खेला जा रहा था। फैक्ट्री को प्रशासन ने सील कर दिया है। प्रशासन की छापेमारी के बाद हड़कंप। स्थानीय प्रशासन ने इसकी सूचना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी को दी है। कहीं पे भी क्षेत्र में जो माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर भी हैं इस तरह की सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण ना हो रहा हो, और लगातार हमें सूचना भी मिल रही थी कि शहर में कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रही है। इसी के दृष्टिगत आज यहाँ पे एक चुमेला बाग के पास छापा मारा गया, जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथीन बनाने की मशीनें और पॉलीथीन और इसका कच्चा सामान मिला है। आप इसका देख ही सकते हैं आपके सामने। मसूरी में धनोल्टी मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर के जवानों ने बर्फबारी और खराब मौसम के चलते बमुश्किल रेस्क्यू कर खाई में गिरी कार को तीनों को बाहर निकाला और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया, जिनमें से एक की हालत खराब होने के कारण उसे हाई रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक देहरादून के निजी संस्थान के छात्र हैं, जो मसूरी में बर्फबारी की सूचना पाकर धनोल्टी बर्फबारी देखने जा रहे थे। भगवानपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम बालेकी यूसुफपुर में गन्ने के खेत में गोली मारकर हत्या संबंधित सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा किया। पुलिस टीम द्वारा मृतक के शव से बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल चेक की गई, तो जानकारी मिली कि मृतक की 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तीनों युवतियों के बयान लेने पर जानकारी मिली कि तीनों युवतियों में से एक युवती मृतक की प्रेमिका थी। प्रेमिका से शादी के लिए घर वालों की रजामंदी न मिलने पर भागकर कोर्ट मैरिज करने की बात पर प्रेमिका ने इनकार करने पर युवक ने आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। खेत से अवैध तमंचा 12 बोर व एक कारतूस 12 बोर बरामद किया गया है। महिला अधिकारियों पुलिस अधिकारियों सबने अलग अलग तरह से जानकारी करी, और जानकारी करने के बाद ये बात आई कि कहीं ना कहीं युवक जो है अपने पर्सनल जो उसके संबंध थे उनको लेकर वो परेशान था और कहीं शादी करना चाह रहा था, तो इस चक्कर में वो परेशान भी था और आवेश में आकर उसके द्वारा जो है खुद को गोली मार ली गई थी। चूंकि मौके पर ऐसा कोई समय वेपन नहीं मिला था, तो बाद में जानकारी पता चला कि युवक के जो महिला मित्र थी उसे भी जब जानकारी हुई और उनके द्वारा भी बताया गया कि मेरे पास भी जो है करीब 12:30 बजे फोन आया था और इसमें स्पष्ट हुआ था कि उसके द्वारा इन कारणों से कर ली गई है। क्योंकि चैटिंग में और अन्य चीजों में भी ऐसी बातें हुई थी कि वह शादी करने के लिए आतुर था और किसी कारणों से शादी न होने पर उसने कहा था कि वह अपनी इस तरह की फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए एजेंट टीवी के साथ।
खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तरकाशी में माघ मेले की 6वीं शाम संवेदना समूह के नाट्य प्रस्तुति के नाम रही। जनपद के नाट्य दल संवेदना समूह की ओर से माघ मेले में गंगा अवतरण सहित उत्तरकाशी जनपद के वीरभट्ट दो भाई नरू बीजू सहित नरू बिजोरा की प्रेम गाथा पर आधारित नाटक का सफल मंचन किया गया। संवेदना समूह ने माघ मेले का शुभारंभ लोक परंपरा पाथा दीप प्रज्वलन के साथ की, जिसमें गंगा अवतरण की नृत्य नाटिका के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड में 23 जनवरी से यूपीसीएल प्रदेश भर में जागरूकता पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाली अभियान में यूपीसीएल के अधिकारी कैंप लगाकर जनता की समस्या शिकायतें सुनने का काम करेंगे। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार का कहना है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए यूपीसीएल लगातार काम कर रहा है। वहीं अब विशेष तौर पर 15 दिनों का पखवाड़ा चलाकर जनता की बिजली विभाग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। 1100 मेगावाट शॉर्ट टर्म के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का सरलीकरण समाधान एवं निस्तारण, यानी जो भी आपके विभाग के नियम हैं कायदे हैं वो सरल हों, सबको मालूम हो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो और समाधान भी इस तरह का हो कि वो परमानेंट निस्तारित हो, अगर समस्या है तो उसका मूल निर्धारण निस्तारण हो जाए। इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और कैंप पूरे पखवाड़े चलेगा और पूरे प्रदेश में एक साथ चलेगा। एक साथ मींस कि हर दिन किसी न किसी सब डिवीजन और डिवीजन में, डिवीजन अगर है तो उस डिवीजन में चल रहा होगा हर दिन। लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे, वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। बीती रात मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगी, जिसके बाद पहाड़ों की रानी मसूरी चांदी की तरह चमकने लगी। बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख किया और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। दिल्ली से आई पर्यटक निशा ने बताया कि उन्हें बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार था और आज उनकी मनोकामना पूरी हुई है, जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित हैं। सभी बंदे यू यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने वहाँ से फैमिली के साथ घूमे, अच्छे से बर्फ है, काफी मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू है, देखो इधर इतना शानदार व्यू आ रहा है, और कैंप टिफोल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मजा आ रहा है, फुल कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा, और हम कैंप टिफोल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं, वाह। पहली बार बर्फ देखी आपने? जी, फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने की जगह है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी से आम जीवन परेशान है। वहीं केदारनाथ धाम में भारी हिमपात के कारण पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत देखने को मिली। जोशीमठ देवनगरी के ठीक समीप बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरती है और ठीक उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से कुछ ही दूरी पर लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी मौजूद है, जिसको बने हुए तकरीबन कई वर्ष हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस भवन का निर्माण कार्य 1979 में हुआ था और इस निरीक्षण भवन पर भी आए दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही थी, जिसके चलते यहां पर रहने वाले कर्मचारियों को काफी खतरा बना हुआ था। और बड़ी बात तो यह है कि कुछ दिन पूर्व इस निरीक्षण भवन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और अचानक इस निरीक्षण भवन को जेसीबी मशीन ने तोड़ दिया। आपको बता दें कि इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में काफी हड़कंप मचा हुआ है।
हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। इसके साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्य को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विकास और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पूर्व विभागों को दिए गए लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों व फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का शत प्रतिशत लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स सीजन घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मड़ुआ झिंगोरा खाता था उसको गरीब कहा जाता था, आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5-star होटल में बड़े लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो। रॉयल्टी की दरों में कटौती के बावजूद भी गोला संघर्ष समिति का धरना मोटा हल्द में 41 दिन भी जारी है। गोला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं खनन व्यवसायियों का कहना है कि भले ही सरकार ने रॉयल्टी की दरों में कटौती कर दी हो, मगर कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी तक समझौता नहीं हुआ और ना ही गाड़ी मालिकों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसको 41 दिन हो गए। मांगें अभी क्या पूरी हुई है? एक ही तो मांग पूरी हुई है। 7 मांगों में 1 मांग पूरी हुई है तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम ये मांगें कुछ नहीं होती है। ये मांगें हमारी मेन मांगें परिवहन को लेकर है। यहाँ देखिए आप, गन्ना मोल लिया ट्रैक्टर ट्राली, उसमें तो डबल टैक्स नहीं है, लेकिन गोला के अंदर जो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें ये डबल टैक्स ले रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी सिलेंडर है, हमने कागज़ नहीं निकाले, सरकार ने ज़बरदस्ती उसमें जो है टैक्स और पेनाल्टी भरनी शुरू कर दी है। एक बात बताइए, आप 10 साल की लीज समाप्त हो रही है, ये सारे अधिकारी को पता है, वन विभाग को पता है, वन विकास निगम को पता है, खनन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी को पता है, एक बात बताइए ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? अब इसमें आप किसकी लापरवाही समझते हैं? जैसे जनप्रतिनिधि वैसे अधिकारी, आप समझिए जब प्रदेश का मुखिया ही ऐसा हो कि जो चुनाव हार जाए उसको दोबारा संगठन चुनाव लड़ा करके विधायक बना करके मुख्यमंत्री बना दे तो क्या काम होगा, आप खुद ही समझ सकते हैं। 3 रुपये अभी तक हमारी एक मांग इनमें मानी गई है, एक मांग मानी गई है, उसमें भी 3 रुपये का अंतर है। बाकी रहा सवाल, अभी हजारों हजार लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, बाहर से आने वाली लेबर यहाँ पर आके बैठी हुई है और यहाँ पर अभी हमारे टैक्स फिटनेस का मामला लटका हुआ है, परिवहन विभाग सुन नहीं रहा है। हमारी गाड़ियाँ सिलेंडर हैं, हमें टैक्स और फिटनेस हमारी शुरू कर दी गई है, उसमें पेनल्टी शुरू कर दी गई है। तो मेरी इस सरकार से मांग है, जो हठधर्मिता में बैठी हुई है, मैं उससे मांग करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आईटीओ ऑफिस से की जो समस्याएं हमारी बाधित हैं उनको जल्दी से उसका हल निकाल कर, और जो हमारी 10 साल की अभी जो रिन्यूअल हमारा जो होना है वो 22 तारीख को हमारा ख़त्म हो रहा है, होने को जा रहा है, और 23 तारीख से फिर गोला बंद हो जानी है अगर ये चला भी देते हैं तो। हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खंडर में डकैती की योजना बनाने की जानकारी प्राप्त होने पर दबिश देकर 6 बदमाशों को पकड़ा है। बदमाशों के कब्जे से 3 तमंचे, 3 अवैध चाकू और कई कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर होंडा सिटी कार लेकर लक्सर स्थित सोलर पावर प्लांट में डकैती हेतु आए अभियुक्तों को डकैती की योजना बनाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया। मैं कल जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 6 बदमाश भगवानपुर और सहारनपुर के थे, एक होंडा सिटी गाड़ी से आए थे और इसके बाद हमारे जो चेतक